Good evening, everyone. Welcome to Tech Pathshala. This is Shubhangini Singh, and this is the second video in the series for UKPSC Polytechnic Lecturer General English Paper 2024. इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने डिटेल में सिलेबस डिस्कस किया है इस एग्जाम का, एंड मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस पेपर में 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के. अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज ये पेपर सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट और सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस के लिए अप्लाई करा है, राइट? दिस इज द सिलेबस जो मैंने कि बहुत डिटेल में डिस्कस करा है पिछली वीडियो में. सो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है सो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो. ओके, आई नो एवरीवन हैज इट, राइट? एंड जो ये वीडियो देख रहे हैं दे हैव अ लिटिल फियर ऑफ इंग्लिश, राइट? बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है. इंग्लिश इज द ईजिएस्ट सब्जेक्ट टू स्कोर, एंड आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज आई हैव अ स्ट्रैटेजी एंड आई एम हियर टू ट्रांसफॉर्म योर फियर इनटू एक्शन. ओके, वी हैव अ प्लान, ऑल राइट, वी हैव अ स्ट्रैटेजी, आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है. यू हैव टू टेक एन एक्शन ऑन इट, एंड अगर आप वो करते हैं तो मैं आपको अभी बता रही हूँ दैट यू विल यील्ड अ वेरी पॉजिटिव रिजल्ट. ओके, रिजल्ट हमेशा आपके फेवर में होगा. ओके, सो लेट्स बिगिन. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करने के बाद आई हैव 3 नोटवर्दी पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एज अ पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटजी. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन. पहला पॉइंट इज योर कॉम्प्रिहेंशन. योर कॉम्प्रिहेंशन विल कंप्राइज ऑफ ऑलमोस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस ऑफ योर पेपर. ऑलराइट, मतलब 100 क्वेश्चंस में से 10 से 15 क्वेश्चंस आपके सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन वाले टॉपिक में से होंगे. एंड इसमें भी यू विल हैव क्वेश्चंस ऑफ सिनोनिम्स एंटोनिम्स, राइट? वो पूछ लेंगे कोई भी एक वर्ड देख के कि इसका सिनोनिम क्या है, नियरेस्ट इन द मीनिंग क्या है, ऑपोजिट टू द मीनिंग क्या है वर्ड, ठीक है? ऑप्शंस में ही होगा वो. सेकेंड टॉपिक इज ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स. देयर विल बी सम काइंड ऑफ ईडियम इन द पैसेज और वो आपसे पूछ लेंगे कि इस वाले ईडियम का मतलब बताइए, ठीक है? ऐसे करके आपके टॉपिक्स कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ही कवर हो जाएंगे. ऑलराइट, दूसरी चीज, टॉपिक्स सच एज वर्ब्स, टेंसेस, प्रेपोजिशंस आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम ऑफ योर्स. इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, राइट? तभी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे. थर्ड इज You will have to practice a lot, okay? And you don't have to worry about this part. I am here for all these parts, but इस part के लिए तो specially हूँ मैं यहाँ पे, okay? We will be discussing questions in the live lecture. I will be giving you practice papers. There will be tests which I'll be taking. So you don't have to worry about this. I will take care of this, okay? So don't worry. This is according to our strategy, all right? This is how we will proceed with the syllabus, all right? The first topic which we will be covering here is articles plus adjectives, all right? उसके बाद हम करेंगे adverbs plus prepositions. And did you notice कि इन चार टॉपिक्स के बाद आपका बेसिक ग्रामर का जो पोर्शन है that will be over, all right? इनकी प्रैक्टिस होगी इनके क्वेश्चंस की, यू विल गेट अ फेयर आइडिया ऑफ दीज, ठीक है? वी विल प्रोसीड विद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, टर्म्स यूज्ड इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन एंड कंजंक्शंस, करेक्ट यूज ऑफ योर टेंसेस, ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. उसके बाद मैंने एक फन टॉपिक डाला है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड क्वेश्चन टैग्स. इसे करने में आपको बहुत मजा आएगा. आई हैव ट्राइड टू कीप डिफिकल्ट टॉपिक्स और उसके बाद थोड़े इजी टॉपिक्स सो दैट आप लोग भी कंटिन्यूअसली पढ़ पाए, प्रैक्टिस कर पाए, पुराने टॉपिक्स को रिवाइज कर पाए एंड यू डोंट फील टू बोरिंग या मोनोटोनस. ऑलराइट, नेक्स्ट आएगा हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट.
a very very important topic of your syllabus. Idioms and phrasal verbs. ठीक है, synthesis of sentences. Synthesis of sentences is a new topic. Okay, we will have to study this. Direct and indirect speech or synthesis of sentences are new topics. Both of them. All right. Synonyms, antonyms, and homonyms. Voices. Correction of sentences. पूरा सिलेबस करने के बाद व्हेन यू अटेम्प्ट करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस आपको ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, मतलब आप सेंटेंस की तरफ देखोगे एंड यू विल बी एबल टू टेल कि इसमें ये मिस्टेक है, इसमें प्रेपोजिशन की मिस्टेक है, इसमें टेंस की मिस्टेक है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब आपस में अग्री नहीं कर रहे हैं. यू विल जस्ट टेक अ लुक एट इट एंड यू विल गेट टू नो. ओके, फिर आएगा कॉम्प्रिहेंशन, जिसकी भरपूर प्रैक्टिस होगी. ऑलराइट, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कॉम्प्रिहेंशन. आपको जिस्ट भी समझ आएगा कॉम्प्रिहेंशन का, यू विल बी एबल टू ग्रास्प द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द पैसेज. ऑलराइट, व्हिच इज ऑफन आस्क्ड इन द एग्जाम, पूछा जाता है कि पैसेज कहना क्या चाह रहा है. गॉट इट? ओके, इन चीजों के अलावा देयर इज समथिंग दैट आई वांट फ्रॉम यू गाइस. ओके, फर्स्ट इज पंक्चुअलिटी. नॉन नेगोशिएबल्स मेरी क्लास के, पंक्चुअल चाहिए मुझे तुम. ओके, टाइम का पंक्चुअलिटी, डेज का पंक्चुअलिटी. ओके, यू हैव टू बी पंक्चुअल इन सबमिटिंग योर टेस्ट, डूइंग योर होमवर्क. इफ यू आर पंक्चुअल, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे पेपर में. ऑलराइट, सेकंड थिंग, न्यूज़पेपर. स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर. ओके, डोंट रन अवे फ्रॉम इट. एंड यू डू नॉट नीड टू रीड हिंदी न्यूज़पेपर. ओके, इट विल बी आइदर इंडियन एक्सप्रेस इफ यू आर अ बिगिनर. अगर आप स्टार्ट कर रहे हो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना, तो आइदर इट विल बी इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू. ऑलराइट, अगर आप ये पढ़ोगे तो ना ही आपकी सिर्फ वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, यू विल गेट टू यू नो आइडेंटिफाई द टॉपिक्स दैट यू हैव ऑलरेडी कवर्ड एंड यू नो गेट हैप्पी कि चलो भाई मुझे ये भी आता है, आई कैन अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, मुझे ये ईडीएम समझ में आ रहा है जो पेपर में दे रखा है. बट ऑल्सो यू विल बी अपडेटेड विद योर करंट अफेयर्स. ओके, विच इन जनरल इज अ गुड थिंग. ऑलराइट, सो दीज आर द टू नॉन नेगोशिएबल्स ऑफ माई क्लास. गॉट इट? So this was our strategy which we will follow in the course which will be beginning from Monday. Do not forget guys, the course is starting from Monday 5 p.m. onwards. All right, 5 to 6 p.m. from Monday onwards, right? So, I will see you then, okay? This is our scanner. If you want to join the course, please scan this and get our app. And I will see you there. And I hope to see a lot of you in my course. Thank you and bye-bye.